इंदौर क्राइम ब्रांच ने तमिलनाडु राज्य से आकर इंदौर शहर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। बताते चले कि आरोपी छात्रों के लैपटॉप और मोबाइल चुरा लेते थे और तमिलनाडु के बेल्लूर चले जाते थे। पुलिस ने मामले में 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 3 मोबाइल पुलिस ने जब्त किए हैं, जिनकी कीमत 1 लाख रुपए पुलिस के अनुसार बताई जा रही है। आरोपी सिर्फ स्टूडेंट के हॉस्टल को ही निशाना बनाते थे। इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि छात्रों के हॉस्टल कमरों मल्टी में सवेरे सवेरे मोबाइल और लैपटॉप चोरी करने वाली गैंग तमिलनाडु की है। यह लोग सवेरे सुबह देवास से बस में बैठकर इंदौर आते, जहाँ जहाँ पर पढ़ाई करने वाले छात्र किराए से हॉस्टल और कमरों में रहते हैं, वहाँ पर जाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। सर, लैपटॉप चोर पकड़ा है, किस तरह से वारदात को अंजाम दिया था? हमको लगातार ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि यहाँ पर एक गैंग सक्रिय है, जो कि लोगों के स्टूडेंट्स के यहाँ से हॉस्टलों से जो है सुबह सुबह और एकांत में जाके उनके घरों से मोबाइल और लैपटॉप निकाल लेता है, और वो चुपके से जो है खुला दरवाज़ा देख के अंदर घुसते थे और तुरंत निकाल के वहाँ से निकल जाते थे। इस तरह की काफ़ी घटनाएं हो रही थी, इस पर लगातार क्राइम ब्रांच काम कर रही थी, और ये गैंग यहाँ पे लगभग 2 साल से ऊपर समय से सक्रिय था। इसमें इसको डेवलप किया गया और इसमें पाया गया कि इसमें तमिलनाडु के कुछ लोग सक्रिय थे और वो देवास में रहकर यहाँ ऑपरेट कर रहे थे। उसमें 3 लोग अभी पकड़ाए हैं और उनसे प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि वो उन्होंने मुख्य तौर पर जयपुर शहर और इंदौर शहर को टारगेट पर लिया हुआ था। अभी वर्तमान में इंदौर आने से पहले वो जयपुर में ही वारदातें करके आ रहे थे और इसमें 3 लोगों को भी पकड़ लिया गया है। बाकी इसमें और इनके जो गैंग के जो मुख्य सरगना है उसके संबंध में आगे हम लोग पूछताछ करेंगे और उसको भी पकड़ेंगे, और इसमें जो वारदातें हुई हैं उसके संबंध में जो अभी तो हमें कुछ मोबाइल हासिल हुए हैं, अन्य जो लैपटॉप गए हुए हैं पुरानी वारदातों के और अभी जो इन्होंने वारदातें करी हुई थी, तो वो भी जो है उसके संबंध में विवेचना की जाएगी। इसमें जो है ये काफ़ी लंबे समय से सक्रिय था गैंग यहाँ पर, और ये अलग अलग इसमें गैंग्स हैं जो कि बेल्लौर तरफ से जो है यहाँ पर आके सक्रिय हैं, और वो अपना पूरा 5-6 दिन में इस तरह की वारदातों को करके अपने सारे लैपटॉप्स और मोबाइल्स को ले जाके वापस बेल्लौर चले जाते थे। तो ये इसमें इस तरह से प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है। तो संख्या बता सकते हैं अभी तक कितनी वारदातें इन्होंने कबूल करी है, कितने लैपटॉप चोरी करे? हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमने एक पैटर्न एनालिसिस किया है और हमने जब पूरा डेटा जोड़ा तो हमने पाया कि लगभग इन्होंने 2-3 साल में 25-30 वारदातें जो हैं इस तरह की इन्होंने इंदौर शहर में की हुई है।